अगर बात की जाए लद्दाख की लड़कियों की, यानी कि हम आइस हॉकी टीम की, वुमेन्स टीम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आइस हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो है वो जीता है, बिल्कुल। और ये अगर इन महिलाओं की बात की जाए, इन वुमेन टीम की बात की जाए, तो इसको लेकर जिस तरह से ये चैंपियनशिप हुई है, जिसमें लगभग 6 टीम जो है वो मौजूद थी, और वहीं पर इस टीम्स में दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ITBP और वहीं पर तेलंगाना की टीम जो है वो मौजूद थी। और ये जो चैंपियनशिप है ये काजा में हेल्ड की गई थी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इस पर जिस तरह से लद्दाख की वुमेन्स टीम की बात की जाए, आइस हॉकी टीम वुमेन की बात की जाए, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर जिस तरह से लद्दाख का नाम जो है वो रोशन किया है, उसी को लेकर अगर पूरे प्लेयर्स की बात की जाए, तो यूटी से जिस तरह से 20 प्लेयर्स ने जो है पार्टिसिपेट इसमें किया था, और एक बहुत ही खुशी का माहौल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से वहां के लोगों में खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। तो बातचीत करते हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता जैनब हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। जैनब, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर लद्दाख की आइस हॉकी टीम वुमेन टीम की बात करते हैं, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर लद्दाख का नाम जो है जिस तरह से रोशन किया है, और वहीं पर किस तरह से एक खुशी का माहौल जो है वो लद्दाख में देखने को मिल रहा है। जी, यूटी लद्दाख की विमेन्स आइस हॉकी टीम ने 9th आइस हॉकी एसोसिएशन इंडिया का नेशनल विमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप, जो काजा में, हिमाचल प्रदेश काजा में 15 जनवरी से 20 जनवरी तक था, उसमें हमारी वुमेन आइस हॉकी टीम यूटी लद्दाख की गोल्ड मेडल जीत के लाई है। इसमें 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ITBP और तेलंगाना की टीम्स थी। 20 प्लेयर्स ने यूटी लद्दाख से पार्टिसिपेट किया है, ये बहुत बड़ी बात है यूटी लद्दाख के लिए, और एक बार फिर विमेन्स आइस हॉकी टीम जो है नाम रोशन कर चुकी है लद्दाख का। और लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख श्री आरके माथुर और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्री रविंदर कुमार ने उनको बहुत बधाई भी दी है। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहेंगे कि काजा में एक आइस हॉकी डेवलपमेंटल कैंप भी रखा गया था 30 दिनों के लिए, जिसमें से ले से 20 वुमेन प्लेयर्स और कारगिल से 30 वुमेन प्लेयर्स ने भाग लिया है, और बहुत सक्सेसफुली इस आइस हॉकी कैंप को कंप्लीट भी किया गया है। और आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे को पता चला है कि 3-4 दिनों में जो है विमेन्स आइस हॉकी टीम अपने लद्दाख में वापस आने वाली है, और हम उम्मीद करते हैं कि उनका बहुत अच्छे से स्वागत हो और आने वाले मैचेस में भी बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन हमें देखने को मिले। जी चलिए जैनब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारी संवाददाता जैनब, जिन्होंने तमाम जानकारी समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है, और वहीं पर जिस तरह से एक नाम जो है यूटी लद्दाख का इन तमाम वुमेन्स ने जो है वो रोशन किया है, और बहुत ही बेहतरीन बात जो है सामने आ रही। चलिए इसी के साथ अब समय आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस न्यूज रूम लाइव के सेशन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।